सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्पॉट्स एंड पी। सो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज आप सबों के बीच पुनः खबर में लकटक या दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट में पुरस्कार के साथ साथ यहाँ पे आज मैं आप सबों को बताऊंगा कि इस टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। जी हाँ दोस्तों, दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। जी हाँ बिल्कुल, और जहाँ तक इस टूर्नामेंट की बात करें तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक टीम नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, लकटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो चलिए विस्तार से हम लोग जानते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए अगर बात करें इस टूर्नामेंट के बारे में तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेताजी नॉकआउट फुटबॉल कप 2024 ऑर्गेनाइज बाय महाकर्षणी खेल विकास समिति की ओर से ये टू डेज फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पंचायत की बात करें तो शिमला प्लेस हलीपाद मैदान गोंदपुर पर ये खेल खेला जाएगा। POPS की बात करें तो खरसवां डिस्ट्रिक्ट सरेकला खरसवां झारखंड। जी हाँ, ये सरेकला खरसवां क्षेत्र का और एक बेहतरीन फुटबॉल प्रतियोगिता में आप सबों का स्वागत कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस टूर्नामेंट के बारे में अगर हम लोग पुरस्कार की राशि की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 पुरस्कार दिए जाएंगे 16 टीमों के बीच। जी हाँ, एक दिन 8 टीम खेलेगी और एक दिन खेलेगी 8 टीम। दिनांक हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले पुरस्कार की राशि आप सबों को बता दूँ। अगर बात करें इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रथम पुरस्कार 2 लाख, द्वितीय पुरस्कार 1,50,000, तृतीय पुरस्कार 60,000 और चतुर्थ पुरस्कार 60,000 दिया जाएगा। 4 पुरस्कार यहाँ पे दिए जाएंगे 16 टीमों के बीच। जी हाँ, तो चलिए एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं कि यहाँ पे कब कब ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। 23 जनवरी 2024 को 8 टीम खेलेगी और 24 जनवरी 2024 को 8 टीम खेलेगी। अगर बात करें दोस्तों 23 तारीख को यहाँ पे कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट किया है, तो चलिए आप सबों को बता दूँ। 23 तारीख को पहला मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि 23 जनवरी को माहली ब्रदर बनाम टोटल टाइगर टाइम पास के बीच ये खेल प्रारंभ होगा 9 बजे से। जी हाँ, और वहीं दूसरा मैच की बात करें आरब स्पोर्टिंग चांडिल बनाम सावन स्पोर्टिंग अमलाटांड के बीच ये दूसरा मैच होगा। और तीसरा मैच होगा स्काई इलेवन खुटपानी बनाम बाबा एंड बाबा सोनाराम बाबा के बीच ये तीसरा मैच। और चौथा मैच की बात करें टिकटॉक इलेवन बनाम आरके स्पोर्टिंग राउरकेला के बीच, टिकटॉक इलेवन यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, 23 तारीख को। वहीं बात करें 24 जनवरी 2024 को, तो यहाँ पे पहला मुकाबला होगा झारखंड एफसी झारखंड बनाम यूपी स्टार क्लब के बीच, ये प्रथम मैच होगा। और दूसरा मैच की बात करते हैं जीएस ब्रदर बनाम सोई दिसम हॉन्को के बीच, ये दूसरा मैच। तीसरा मैच की बात करें आयुष ब्रदर बनाम रेहान स्पोर्टिंग ओडिशा। जी हाँ, यहाँ पे 24 तारीख को रेहान स्पोर्टिंग ओडिशा जैसी टीम मौजूद है, जो बिल्कुल तीसरा मैच के तौर पर खेला जाएगा, जिसकी ओपोनेंट टीम होगी आयुष ब्रदर। और चौथे मैच की बात करें बम बम भोले स्पोर्टिंग बनाम जय जगन्नाथपुरी ओडिशा, तो एक से बढ़कर एक टीम मौजूद है 24 तारीख को। जी हाँ बिल्कुल, बम बम भोले स्पोर्टिंग मौजूद है, यानी कि डीसी चांडिल मेरे ख्याल से लग रहा है बिल्कुल। वहीं जय जगन्नाथपुरी ओडिशा के बीच एक बेहतरीन मुकाबला होने की संभावना। जी हाँ, जय जगन्नाथपुरी ओडिशा भी एक बेहतरीन टीम है और रेहान स्पोर्टिंग ओडिशा यहाँ पे साधु नजर आ सकते हैं बिल्कुल। वहीं बात करें रंजीत के साथ यहाँ पे गोराचांद जैसे सिंघू जैसे खिलाड़ी यहाँ पे नजर आ सकते हैं रेहान स्पोर्टिंग ओडिशा की ओर से। ये 24 तारीख का मैच है दोस्तों। और वहीं बात करें 23 तारीख को यहाँ पर टिकटॉक इलेवन मौजूद है, आरब स्पोर्टिंग चांडिल मौजूद है, महली ब्रदर जैसे टीम यहाँ पे मौजूद है, वहीं आरके स्पोर्टिंग राउरकेला जैसे। यहाँ पर दोस्तों 23 और 24 तारीख को एक से बढ़कर एक टीम आप देख पाएंगे। जी हाँ, 23 जनवरी और 24 जनवरी को आप सबों का स्वागत कर रहा है दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता माँ आकर्षणी खेल विकास समिति की ओर से। जी हाँ, प्लेस हेलीपैड मैदान पर खेला जाएगा ये गोंदपुर पर। जी हाँ, POPS खरसवां और सरेकला खरसवां झारखंड डिस्ट है बिल्कुल। आप सभी को हार्दिक स्वागत कर रहा है इस दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में। धन्यवाद।